उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में अहम प्रगति हुई है। मुख्य सेवक सदन में आयोजित एक कार्यक्रम में यूसीसी समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने मसौदा समिति के सदस्यों के साथ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूसीसी मसौदा रिपोर्ट भी सौंपी। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में अहम प्रगति हुई है। मुख्य सेवक सदन में आयोजित एक कार्यक्रम में यूसीसी समिति की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने मसौदा समिति के सदस्यों के साथ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूसीसी मसौदा रिपोर्ट सौंपी है। धामी सरकार ने यूसीसी के लिए 27 मई 2022 को 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। ड्राफ्ट मिलने के बाद में अब सरकार इसे कल होने वाली कैबिनेट में मंजूरी देगी। माना जा रहा है कि धामी सरकार 6 फरवरी को यूसीसी को विधेयक के रूप में विधानसभा में पेश कर सकती है। देहरादून में यूसीसी कार्यालय पिछले 3 दिनों से प्रतिदिन 15 घंटे से अधिक काम कर रहा है। समिति के सदस्य दिन रात रिपोर्ट तैयार करने में सक्रिय हैं। सूत्रों का कहना है कि मसौदे में 400 से अधिक धाराएं शामिल हो सकती हैं। इसका लक्ष्य पारंपरिक रीति रिवाजों से उत्पन्न होने वाली विसंगतियों को खत्म करना है। यहाँ कुछ प्रावधान दिए गए हैं जो यूसीसी में दिख सकते हैं, जैसे समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के लागू होने के बाद और बहुविवाह पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 21 साल तय की जा सकती है। देखिए, लंबे समय से सबकी प्रतीक्षा थी कि कमेटी का ड्राफ्ट जल्दी मिले और कमेटी ने बहुत प्रयत्न किया है, बहुत प्रयास किया है, अनेक अनेक जगह पर कमेटी गई है। हमने इस आम चुनाव से पहले 2022 का विधानसभा का उत्तराखंड का जो चुनाव था, उस चुनाव में हमने संकल्प हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से हमारी पार्टी ने ये संकल्प पत्र उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड के अंदर यूसीसी का विधेयक लाएंगे, यूसीसी को यहां पर गठित करेंगे, यहां पर उसको आगे बढ़ाएंगे। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को अपनी जानकारी देना अनिवार्य होगा और ऐसे रिश्ते में रहने वाले लोगों को अपने माता पिता को भी जानकारी प्रदान करनी ही होगी। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले के लिए पुलिस में रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। विवाह के बाद अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता हो सकती है। प्रत्येक विवाह का संबंधित गाँव कस्बे में पंजीकरण करवाया जाएगा और बिना पंजीकरण के विवाह अमान्य माना जाएगा। विवाह पंजीकरण नहीं कराने पर किसी भी सरकारी सुविधा से वंचित होना पड़ सकता है। मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार होगा और गोद लेने की प्रक्रिया सरल होगी। लड़कियों को भी लड़कों के बराबर विरासत का अधिकार मिलेगा। मुस्लिम समुदाय के भीतर इद्दत जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। पति और पत्नी दोनों को तलाक की प्रक्रियाओं तक समान पहुँच प्राप्त होगी। नौकरी पेशा बेटे की मृत्यु की स्थिति में बुजुर्ग माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी पत्नी पर होगी और उससे मुआवजा मिलेगा। पति की मृत्यु की स्थिति में यदि पत्नी पुनर्विवाह करती है तो उसे मिला हुआ मुआवजा माता पिता के साथ साझा किया जाएगा। यदि पत्नी की मृत्यु हो जाती है और उसके माता पिता को कोई सहारा नहीं मिलता तो उनकी देखरेख की जिम्मेदारी पति पर होगी। अनाथ बच्चों के लिए संरक्षकता की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। पति पत्नी के बीच विवाद के मामलों में बच्चों की कस्टडी उनके दादा दादी को भी दी जा सकती है। बच्चों की संख्या पर सीमा निर्धारित करने सहित जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रावधान पेश किए जा सकते हैं। पूरा मसौदा महिला केंद्रित प्रावधानों पर केंद्रित हो सकता है। आदिवासियों को यूसीसी से छूट मिलने की संभावना है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़।